Hi guys, welcome back to my channel. I'm Mani and today I am back with another video. So this video is going to be late night study with me. So आज मैं फिर से late night study करने वाली हूँ. कल Sunday है 24 को और 25 को Christmas की holiday है. So इसलिए आज है thought कि चलो late night study कर लेते हैं. वैसे मेरे कई दिनों से मैं late night study कर रही हूँ क्योंकि exam time में मेरी यही routine रहती है, मैं late night study करती हूँ. But आज मैं productive feel कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा syllabus cover कर लेते हैं क्योंकि कल और परसों की छुट्टी है तो अच्छे से हो जाएगा. सो आज हम लेट नाइट स्टडी करने वाले हैं एंड आज का क्या प्लान रहता है इस साइड मैंने टू डू लिस्ट लगाई है. सो लेट मी टेल यू क्या पढ़ने वाले हैं आज हम. सो आज सबसे पहले मैं करने वाली हूँ बायो के नोट्स कंप्लीट. सो बायो का मेरा चला हुआ है चैप्टर नंबर 11. चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. सो वो वाला चैप्टर मेरा चला हुआ है एंड मैक्सिमम उसके मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं, बस मेरे को एंड वाले रहते हैं. तो वो नोट्स मैं आज ख़त्म करने वाली हूँ. बायो के चैप्टर नंबर 11 के नोट्स मैं ख़त्म कर दूँगी. फिर जब मैं नेक्स्ट बायो का पढ़ूंगी तो मैं चैप्टर 12 से सीधा स्टार्ट करूँगी. सो यस, हियर इज माई कॉपी. इधर मैंने कॉपी रखी है. सो ये मेरी फेयर कॉपी है, इसमें मैं नोट्स बनाने वाली हूँ. ये मेरे को स्कूल में भी सबमिट करवानी होती है, हमारी रोज़ कॉपी चैप्टर की है, मैंने बताया आपको. एंड हियर इज माई एनसीईआरटी बायोलॉजी की, ठीक है. सो मेरी एनसीईआरटी है, इसकी हेल्प लेके मैं बनाने वाली हूँ नोट्स. एंड उसके साथ में हियर इज माई फ़ोन, कुछ ऑनलाइन साइट से देख के बना लूँगी. सो दैट इज़ दैट बायो के लिए. और उसके साथ में मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ने वाली हूँ आज, ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं स्टडी करने वाली हूँ मैं, काफ़ी देर तक मैंने ऐसा सोचा है. सो या केमिस्ट्री का मैं पढ़ने वाली हूँ चैप्टर नंबर 16, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. मैं स्टार्ट करूँ लास्ट चैप्टर से क्योंकि लास्ट चैप्टर अभी अभी सिलेबस कवर हुआ है और लास्ट चैप्टर इतने अच्छी तरह से मैंने रिविज़न नहीं किए हैं. सो आई थॉट कि लास्ट चैप्टर से रिविज़न स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट की तरफ को. एंड मैं बता देती हूँ तुम्हें कि मेरे लिए ये चैप्टर डिलीटेड नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ सीबीएसई स्टूडेंट एंड मुझे ये सारे चैप्टर्स करना पड़ेंगे, मेरे लिए ये डिलीटेड नहीं है. सो या दैट इज़ इट. एंड उसके साथ में आज मैं फिज़िक्स की यूनिट 2 भी रिवाइज करने वाली हूँ. उसके लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया मैं फिर से रिविज़न स्टार्ट कर रही हूँ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरे बड़े वीक हैं तो उनको मुझे थोड़े अच्छे तरह से करना पड़ेगा. पहले मैं जितने भी मेरे नोट्स, ओन नोट्स जो मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स हैं उनको मैं रिवाइज करूँगी. उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करूँगी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और या वो मैं करने वाली हूँ. उसके साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी करना पड़ेंगे. मेरे पास ऑलरेडी एनसीईआरटी है बट पहले मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको सभी को कंप्लीट करने वाली हूँ. डेरिवेशन जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी. फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 मैं करूँगी और ऑलरेडी मैंने इसका रिविज़न किया है. सो आई गेस कि इस रात में मैं रिविज़न अच्छे से कर लूँगी एंड बायो के नोट्स भी बन जाएंगे, केमिस्ट्री का रिविज़न भी हो जाएगा और उसके साथ में फिजिक्स का रिविज़न भी हो जाएगा. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 छोटा या इतना बड़ा नहीं है. सो आई थॉट कि इस रात में चैप्टर 16 को कंप्लीट कर लेते हैं. सो ये मेरा प्लान है आज रात के लिए. आज रात मैं ये चीज़ें पढ़ने वाली हूँ एंड आई होप कि जो मैंने सोचा है वो इस रात में कंप्लीट हो जाएगा मे बी. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच व्लॉग. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग एट 11:20 और 22 के अराउंड एंड आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी. सो मैं बायो के नोट्स बनाने वाली हूँ एंड बायो की जो मेरा चैप्टर नंबर 11 है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो फिनिश होने वाला है. सो उसके एंड वाले नोट्स मैं कंप्लीट करने वाली हूँ एंड या मैं एनसीईआरटी से देख के नोट्स बनाऊंगी और उसके साथ में कुछ ऑनलाइन साइट्स वगैरह होती हैं वहाँ से मैं देख के कर लूँगी. सो बायो का सिलेबस मेरा बहुत अच्छा चला हुआ है, मतलब साथ साथ में रिविज़न भी हो जाता है और नोट्स भी बन जाते हैं. बट अगर और सब्जेक्ट में देखे जैसे केमिस्ट्री वगैरह सो उसमें मैं ज़्यादा फोकस करने की सोच रही हूँ क्योंकि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट इन केमिस्ट्री. फिजिक्स भी चलो ठीक ही है मेरा बट केमिस्ट्री मेरी बहुत गंदी है और उसके साथ में जिस हिसाब से मेरे पेपर अब के गए हैं केमिस्ट्री का खासकर तो आई डोंट थिंक सो कि आई एम गुड इन केमिस्ट्री. सो मुझे उसमें फोकस करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब टू माई सेकंड यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल विद हिमानी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और उस चैनल पे भी मैं ऐसे रैंडम व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स लेके आती रहूंगी. सो सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल. हाय गाइज, सो इट्स करेंटली 12:28 राइट नाउ एंड अभी मेरा जस्ट बायो का फिनिश हुआ है ऑलमोस्ट 1 आवर क्योंकि मेरे को साथ साथ में एनसीईआरटी में रिवाइज भी करना था और लिखना भी था. सो मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ पीवीआर 322 से, मतलब वो मेरा बन गया था. उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोपोरेशन से स्टार्ट किया था एंड मैंने इधर एनसीईआरटी में साथ साथ में पढ़ा भी, रीड भी किया और लिखा मैंने साथ में. तो मेरे को 1 आवर लग गया ऑलमोस्ट इसको फिनिश करने के लिए एंड मेरा पूरा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो गया है. सो हियर आर माय नोट्स, दीज आर माय नोट्स. मैं दूसरे कैमरे से दिखाऊंगी आपको. सो मैंने कर लिया अपना चैप्टर नंबर 11 फिनिश. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद मेरी बायोलॉजी की स्टडी के साथ, मतलब गुड, वेरी सेटिस्फाइड. एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी फिज़िक्स का रिवीजन
यूनिट नंबर 2 का राइट फिजिक्स का सिलेबस अभी ऑलमोस्ट कवर नहीं हुआ है एंड मैं स्टार्ट करूँ बट रिविज़न स्टार्टिंग से रिविज़न भी हो जाएगा और नेक्स्ट यूनिट्स भी कम्प्लीट हो जाएगी, वो कम्प्लीट हो जाएगी फिर उनका रिविज़न स्टार्ट होगा। सो ये मैंने सोचा है फिज़िक्स के लिए एंड अभी मैं स्टार्ट करी हूँ फिज़िक्स का रिविज़न अपनी नोटबुक से रिवाइज करना जो मेरी डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है, और वो मैंने ऑलरेडी रिवाइज़ किया है सो मे बी वो जल्दी ख़त्म हो जाए, आई होप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी हम फिज़िक्स का रिविज़न करने वाले हैं एंड इट्स करंटली 12:31 राइट नाउ। या एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी 2-3 दिन पहले मे बी, जो मैंने एक न्यू वीडियो पोस्ट करनी थी तो मैंने इनकी पिक डाली थी, ठीक है, इनकी पिक। सो मुझे एक कमेंट आया था कि जो आपने शीट पे लिखा है उसको अच्छी तरह से बताओ, तो ये कुछ नहीं है बेसिकली, ये सिलेबस है जितना लाइक जो CBSE वाले से डिलीटेड है वो भी मैंने लिखा हुआ है क्योंकि बट मुझे तो पूरी सिलेबस आएगा, मुझे तो सारा सिलेबस आएगा बट मैंने ऑलरेडी एक ही शीट में अलग अलग लिखा है जो डिलीटेड है और जो डिलीटेड नहीं है। सो या बेसिकली ये सारे चैप्टर्स मैंने लिखे हैं सिक्वेंस वाइज जितने भी हैं और ये सिलेबस ही है, लिख के रख दिया है और फिर ये मैंने इसलिए किया ना गाइज ताकि मेरे को, वैसे मेरे को पता है कि इतने चैप्टर हैं, इतने मेरे को कवर करना है, बुक के इंडेक्स में भी मिल जाता है, बट ये मेरे को ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत पसंद है तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो एक अलग से शीट्स पे लिख देते हैं सारे सिलेबस ऑर्गेनाइज करके, और जब भी मैं सोचूं कि अच्छा ये वाला चैप्टर मेरा नहीं हुआ है इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, ऐसे फिर मेरे को बुक के इंडेक्स में जाके चेक करना पड़ता था तो आई थॉट कि अलग से शीट पर बना लेते हैं। वैसे इनका कोई खास काम नहीं है कि मैंने किसी पर्पज़ के लिए बनाए, कि मैंने ऐसे ही बना लिया, मतलब सामने मिल जाएगा सिलेबस मेरे को जब मैं एक एक कवर करूँगी इसको मैं हाईलाइट कर दिया करूँगी, मतलब जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स ओवर होते जाएंगे। सो यार ये मैंने सोचा है इसके बारे में और अभी भी मैं मतलब बहुत सारे यूजेज हैं वैसे तो इसके बट मैंने बना के रख दिया सारे सिलेबस की लिस्ट और ये है बस। अभी जल्दी से हम फिज़िक्स का रिविज़न स्टार्ट करते हैं, तो चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ पहले कि मैंने कैसे नोट्स बनाए। बायो की दीज आर माई नोट्स, लेट मी शो यू गाइस, ये मेरे फेयर नोट्स हैं एंड ये मेरे को स्कूल में भी सबमिट करवानी होती है कॉपी एंड मैंने तुम्हें बताया था डीली हमारी कॉपी चेक होती है, तो दीज आर माई फेयर नोट। वैसे हमारे मैम हमें खुद प्रोवाइड करते हैं बट जब कभी मैं उन नोट्स को नहीं बनाती हूँ तो मैं खुद से भी नोट बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि क्या हमारी हायर क्लास है सो हमें खुद भी नोट्स बनाने चाहिए। दैट इज़ इट एंड लेट मी शो यू कि मैंने कैसे नोट्स बनाए। ओके गाइस, सो 12:45 के अराउंड मैं बैठ की फिज़िक्स का पढ़ने के लिए, सो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपने खुद के नोट्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। जो मेरे नोट्स हैं उसमें मेनली डेरिवेशंस हैं और थ्योरी वाला सेक्शन है, उसमें न्यूमेरिकल्स इतने नहीं है, सो उनको मैं इसलिए रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अब का अपना एग्ज़ाम देखा है और टर्म वन का देखा है उसमें मोस्टली डेरिवेशंस आती हैं, मतलब आपको लॉ वगैरह आते हैं, डेरिवेशन आती है, उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है डेरिवेशन में, तो वैसे वाली चीज़ें आती हैं और तभी मैंने सोचा कि चलो पहले डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन ज़्यादा आ रही हैं और न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल नहीं करूँगी, उनको भी मैं करूँगी बट पहले मैं डेरिवेशन वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लूँगी और उसके साथ NCERT में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं साथ में सॉल्व करूँगी। ठीक है, सो इट्स करंटली 2 AM राइट नाउ एंड मैंने फिज़िक्स का सारा रिविज़न कर लिया है। हियर इज़ माई नोटबुक, मेरी यूनिट नंबर 2 पूरी कंप्लीट हो गई है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस लेट नाइट स्टडी। ठीक है, वैसे लेट नाइट स्टडी अगर आप ऑलरेडी टू डू लिस्ट बना के रखते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, अगर मतलब किसी अच्छे पर्पज़ से, पढ़ाई के पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी नहीं सुबह सुबह उठ के पढ़ सकते हो तुम, बट लेट नाइट मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, मतलब मैं कर लेती हूँ सिलेबस कम्प्लीट बट सुबह जल्दी हो जाता है, बट ये मैं किसी ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम है मेरा कल सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी एंड तुम सुबह उठ के पढ़ो आराम से, और अगर लेट नाइट है कोई मतलब लेट नाइट स्टडी करने का सोच रहे हो तो ऑलरेडी टू डू लिस्ट बना के रखो कि ये चीज़ मेरे को कवर करनी है तो ऐसे तुम अच्छी तरह से कवर कर पाओगे। सो टू डू लिस्ट बना के रखो फिर लेट नाइट स्टडी करो, मैं जल्दी कंप्लीट होगी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम हुए मेरे तो मैंने रिवाइज करके रखी थी एंड ये मेरे डेरिवेशन वाला पार्ट मैंने सारा कंप्लीट कर लिया थ्योरी वाला सेक्शन। सो या आई एम वेरी सेटिस्फाइड मैंने कंप्लीट कर लिया। इधर मेरे पेपर्स भी हैं, इन पर मैं प्रैक्टिस कर रही थी, अब मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लेती हूँ एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी केमिस्ट्री का रिवीजन। राइट, चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो छोटा सा चैप्टर है वो जल्दी कवर हो जाएगा, वो भी इसलिए मैंने छोटा सा लिया ताकि रात में बड़ा चैप्टर अगर मैं लूँगी तो वो आधा ही कवर होगा फिर मेरे को इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, सो इसलिए आई थॉट कि छोटा सा चैप्टर लेते हैं और उसको पूरी रात में कवर कर लेंगे।
काफ़ी छोटा सा चैप्टर है और उसमें लाइक एंटीबायोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर जो हमने बायो में पढ़े हुए हैं वैसे वैसे टॉपिक्स हैं, तो वो बायो में भी कवर किए हैं, उसको फिर हम केमिस्ट्री में भी करेंगे, वो भी जल्दी हो जाएगा। बट मैं फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। ऑलमोस्ट 2:05 AM हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लेती हूँ, मैं सीधे टाइम स्लैब पे मिलती हूँ। ब्रेक में आई वॉच सम यूट्यूब वीडियोस और उसके साथ मैं कुछ पॉपकॉर्न्स में लेके आई थी किचन से, ये इतने ही रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको खा लेते हैं, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो कोई और इसे खा लेगा। सो यस, और उसके बाद में आई स्टार्टेड स्टडिंग 220 के राउंड, मैंने केमिस्ट्री का पढ़ना स्टार्ट किया। सो एज यू नो, मैंने तुम्हें बताया कि मैं चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं लास्ट से फर्स्ट की तरफ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे जो फर्स्ट चैप्टर हैं वो मतलब जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं वो ऑलरेडी टर्म वन में भी मैंने रिवाइज किए थे, टर्म टू में भी, बट जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनका रिविज़न अभी अच्छे से नहीं हुआ है। सो इसलिए आई थॉट कि लास्ट चैप्टर से स्टार्टिंग की तरफ पढ़ते हैं। और येस, एंड इसको मैंने बेसिकली रात को बुक से इतना कुछ पढ़ा नहीं, बट मैंने जेएमडी से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रिवाइज़ की। मैं इनके शॉर्ट नोट्स भी अलग से बनाऊंगी, मतलब एक एक बार मैं बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवीजन करूँ तो मेरे को ऐसा ना हो कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है, ये चीज़ पढ़ी नहीं है। करंटली 3:04 राइट नाउ एंड गेस व्हाट, आई जस्ट कंप्लीटेड माय केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16, केमिस्ट्री इन अवर एवरीडे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो या, दीज आर माई बुक्स, बाय द वे आई एम स्टडिंग, दीज आर माई बुक्स एंड दीज आर द पेपर जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही थी। सो आई हैव डन विद चैप्टर नंबर 16 ऑफ केमिस्ट्री एंड देन ये जेएमडी, ये तो कंपल्सरी है, ये तो मैं साथ में रखती हूँ क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये रहे पेपर जिनको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड साथ में इधर मेरी बुक भी है, ये बेसिकली रेफरेंस बुक है। वेरी 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 मच सेटिस्फाइड विद दिस लेट नाइट स्टडी। एंड 3:05 हो रहे हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, बट इट्स ओके। अभी मैं अपनी बुक्स बंद करने जा रही हूँ, दिस इज़ माई फैमिली राइट हियर। आज से मैं ठीक से नींद लूँगी, बुक्स वगैरह बंद करते हैं जल्दी से और सोने चलते हैं क्योंकि टाइम 6 मिनट ज़्यादा हो चुका है। सो चलो, बाय द वे वी आर वेरी क्लोज टू 40K सब्सक्राइबर्स, सो जल्दी से 40K कर दो एंड इस साल 40K हो जाने चाहिए, ठीक है, फिर हमें जल्दी से 100K भी कर लें। सो गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। और या मेरे से अब बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को बड़ी जोरों की नींद आ रही है, मेरी आँखें भारी भारी हो चुकी है, मेरी आँखें खुद ऐसे बंद होने वाली हैं ऐसे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप you enjoyed watching this one and if you did then don't forget to comment down below that how you like my video, kyunki mujhe isse bahut zyada motivation milti hai, mujhe pata lagta hai ki meri video kis way se aapko help kar rahi hai. So yeah, that is it for this video and I will meet you guys in my next video. Tab tak ke liye bye bye and take care and all the best for your boards in advance. Love you guys so much, good night. Chipkali kahan gayi guys, mereko chipkali mili hai, hello. हाय, अब ये जा रही है, ये मेरे रूम में आ गई थी। सो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।